एंड वेलकम टू माय चैनल रितु कनाडा। और आज का व्लॉग हम बनाएंगे किचन में, क्योंकि अभी है यहाँ पर डिनर टाइम। तो जस्ट अभी मैंने बनाई है दाल मखनी, और अभी हम बनाएंगे लच्छा परांठा, और उसके साथ हम बनाएंगे अनियन लच्छा सैलेड। सो मैं बनाने ही वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ही बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लच्छा सैलेड बनाने के लिए मैंने लिए हैं अभी दो स्मॉल अनियंस, और इनको पील करके वॉश कर लिया है मैंने। तो अभी हम इनको स्लाइस डाउन करेंगे इस तरह से। अनियन इस तरह से आपने गोल गोल, जब जहाँ पे रिंग्स आ रहे हैं वहाँ पे आपने इसको काटना है इस तरह से। आप इसको काट लें और अभी हम और इसको यहाँ पे साथ के साथ बोल में शिफ्ट करेंगे। अभी हम दूसरा अनियन जो है इसको भी स्लाइस डाउन ऐसे ही करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर गोल गोल इसके रिंग्स बन रहे हैं। इस तरह से आपने इसको काट लेना है That's it। तो ये जो अनियन आपने अभी काटे हैं इसको हम बोल में शिफ्ट करेंगे, और बोल में शिफ्ट करने के बाद आपने इसके जो लच्छे हैं ये रिंग्स इसको निकालना है। इसको हम सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। आप थोड़ा सा इसको पुश डाउन करें और अलग अलग इसके जो हैं लच्छे निकल आते हैं अनियंस के इस तरह से। हम ड्रेसिंग करेंगे, इसके लिए आपने पहले थोड़ा सा नमक डालना है, हल्का सा सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये है चाट मसाला, और इसमें डालना है नींबू, या आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अगर आपको सिरके वाला प्याज चाहिए आप वो भी डाल सकते हैं, पर अभी मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ। ये डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। आप इसको मिक्स कर लें। तो अभी हमारा जो लच्छा अनियन सैलेड है वो रेडी है, ये देखिए राइट। तो इसको आप ऐसे बारबेक्यू भी कर सकते हैं, अगर आपने इस तरह से नहीं खाना है आप इसको बारबेक्यू करके या ग्रिल करके भी खाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। तो ये हमारा तैयार है सैलेड। तो अब क्योंकि हमारा अनियन सैलेड रेडी है तो हम बनाएंगे लच्छा परांठा। तो लच्छा परांठा बनाने के लिए मैंने सामान पहले ही निकाल लिया था, तो आपको इस हिसाब से अपना जो है आटा अपने ले लेना है राइट। सबका वैसे अलग अलग स्टाइल होता है लच्छा परांठा बनाने के, काफ़ी स्टाइल्स हैं, कोई किस तरह बनाता है कोई किस तरह बनाता है, बट मैं आज आपको अपना वे दिखाऊंगी किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो पहले आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, और अब हम लगाएंगे इसमें घी। घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है क्योंकि ये परांठा है, तो जितना अगर ज़्यादा घी लगाएंगे अंदर की साइड तो उतना ही खस्ता परांठा बनेगा। और ये मेरे पास है पिज़्ज़ा कटर, तो इसको मैं यूज़ करूँगी अभी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें ये मैं स्लाइस डाउन कर रही हूँ। स्लाइस करने के बाद आपने यहाँ से लेना है जो फर्स्ट है शॉर्ट वन, इसको आपने रोल करना है। जैसे ये रोल हो गया, अब इसी को सेकेंड पर रखना है इस तरह से। ये रेडी एंड नाउ द थर्ड वन। अब ऐसे ही इसको रोल करते जाना है एंड द नेक्स्ट वन, और अभी ये जो है लास्ट इसको आप इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि रोज है राइट।
इसको आप इस तरह से प्रेस कर दें। ये जो आप रिंग्स देख रही हैं सारे ये लच्छे हैं इसके, जो बाद में निकलेंगे। थोड़ा प्रेस करने के बाद फिर वैसे ही जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसे ही आपने इसको बेल लेना है इस तरह से। सो मेक श्योर इसमें घी थोड़ा अच्छा लगाओ ताकि परांठा उतना ही अच्छा खस्ता और सॉफ्ट बनेगा। इसको हल्के हाथों से आपने बेल लेना है। ये देखिए ये जो रिंग्स हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सारे इसके लच्छे हैं। तो अब क्योंकि हमारा तवा गर्म है आप इस पर डाल देते हैं। तो अभी जो हमने परांठी रखी थी ये देखिए, तो इसको पलट के आपने घी लगाना है। मैं इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे परांठी में बहुत टेस्ट आता है। ये देखिए इसको लगाने के बाद इसको हम थोड़ा पलट देंगे। और फिर दूसरी साइड घी लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर दें। तो अभी ये हमारी परांठी रेडी है। इसको हम पेपर टॉवल पे रख के या जो भी आप क्लॉथ यूज़ करते हैं उस पे रख के और इसको आपने क्रश कर देना है इस तरह से। जब आप इसको क्रश करेंगे तब इसके लच्छे जो हैं आपको दिखाई देंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए ये जो परत है इसकी, ये एक दो तीन लच्छे इसके निकले हैं इस परांठे के, राइट। तो इसको अब हम सर्व करेंगे। अभी हम परांठे को यहाँ पे सर्व करेंगे, साथ में लेंगे अनियन सैलेड जो हमने बनाया था, और क्योंकि आज साथ में बनी है दाल मखनी तो वो सर्व करेंगे। तो भी मैंने इसमें दाल मखनी डाली है। ये देखिए तो ये अब हमारा डिनर आज रेडी है। तो आप भी ज़रूर ये ट्राई करें, सैलेड ट्राई करें, लच्छा परांठा ट्राई करें जिस तरह से मैंने बनाया था। बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी बनता है। जो नॉर्मल हम परांठी बनाते हैं उससे बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये मेरा व्लॉग। Please do write, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Ritu Canada. My name is Ritu. I thank you so much for watching. Bye-bye. Have a good night. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down.